गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आए हैं मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि सर जब हिस्टरोस्कोपी करने के बाद आईवीएफ करने से पहले पेशेंट को ये क्यों नहीं क्लियर किया जाता कि आईवीएफ में सक्सेस होगा कि नहीं? ये कमेंट के क्वेश्चन मैं भी देखा हूँ और आईवीएफ सक्सेस होगा कि नहीं होगा, यदि पहले से ही ये मालूम हो कि इस पेशेंट में आईवीएफ नहीं करना चाहिए तो नॉर्मली मैं आईवीएफ सेल्फ एग से या आईवीएफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मना कर देता हूँ। पर किसी भी आईवीएफ को, चाहे बहुत अच्छा एएमएच हो, बहुत अच्छा स्पर्म काउंट हो, बहुत अच्छा यूट्रस हो, आईवीएफ का सक्सेस रेट 55-60% से मैक्सिमम ऊपर जाता नहीं है। यदि फ्रोजन भी करें तो भी 60-65% से ऊपर नहीं जाता। किसी भी पेशेंट को जब हम आईवीएफ करते हैं तो सबसे पहले जो मेरी कंसल्टेशन होती है उसमें सबसे पहले, यदि आप मेरे ओपीडी में भी आएंगे तो ओपीडी के बाहर भी एक डिस्क्लेमर है और फैक्ट्स का एक लिस्ट लगा हुआ है कि कितना चांस हो सकता है। एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कपल मेरे पास आ रहा है उसको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हुई इसीलिए आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने हैं जिसके कारण नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। हम उस व्यक्ति का, उस कपल का एग्स और स्पर्म का आर्टिफिशियली बाहर इंसेमिनेट करके फर्टिलाइज करा के भ्रूण बिठाते हैं। नेचुरल जो इंटरकोर्स के बाद में जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है वो भी 33% से 34% से अधिक नहीं होती। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हम बहुत अच्छा अचीव कर लेंगे ये पॉसिबल नहीं है, बट हर अटेम्प्ट सफल होगा सोच के ही करते हैं, पर किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये असफल ही होगा या सफल हो ही जाएगा। तो ये कहना कि हिस्टोस्कोपी के बाद में ही हम बता दें कि आप सफल नहीं होगे, यदि हिस्टोस्कोपी में यूट्रस बहुत ही ख़राब हो तो ये बोल सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी आपके यूट्रस में नहीं चलेगी, वो मैं बोलता हूँ, पर ऐसा स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, इसका खर्चा लगभग 3500 रुपए तक आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा है आईवीएफ के बाद। ये एक फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम आईवीएफ करते समय एक फिगर बताते हैं कि हमारा आईवीएफ में कितना खर्चा आएगा, पर पोस्ट आईवीएफ मोस्ट ऑफ द टाइम पहले 3 महीने जो ल्यूटियल फेस सपोर्ट दिया जाता है और प्रेगनेंसी को जो सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है वो एक खर्चा आईवीएफ के अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद आता है, इससे आप बच नहीं सकते। इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको कम करने का, पर हम उस खर्चे को, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पास ही ट्रीटमेंट कराएं, आप कहीं पर भी जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। डिलीवरी, हर डिलीवरी के वक्त पानी के कम हो जाने का क्या कारण हो सकता है? ये फीटल मेडिसिन का क्वेश्चन है और डिलीवरी के वक्त यदि पानी की कमी हो रही है तो अधिकतर ये क्रॉनिक इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का केस रहता है और ऐसे केसेस अधिकतर उनमें होते हैं जिनमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ता हो या फिर उनको किडनी का कोई प्रॉब्लम हो मदर को, या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम रिकरेंस हो रहा हो। अदरवाइज़ डिलीवरी के समय यदि पानी घट रहा है तो पानी एक्चुअली घट भी रहा है कि नहीं वो डायग्नोस करना भी बड़ा कठिन होता है, पर यदि आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बच्चे का पानी घट रहा है और बच्चे को यदि खतरा है तो बच्चे को बहुत दिन तक यूट्रस में रख के अंदर कुछ हादसा हो उससे पहले निकाल लेते हैं। माधवी जी पूछती हैं कि सर एएमएच कम है, उम्र 28 साल है। यदि एएमएच कम है और उम्र 28 साल है तो ये एक चिंता का विषय रहता है और ये प्राइमरी ओवेरियन फेलियर की तरफ जाता है। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं जिनका कम उम्र में एएमएच घट गया और ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं उन रीजंस में नहीं जाऊंगा, पर जो एक्स क्रोमोसोम होता है महिलाओं में दो, उसमें एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है लॉन्ग आर्म में, उसके कारण ये कई बार होता है। हम कोशिश करते हैं कैरियोटाइप करके या उसका माइक्रोएरे करा के वो डायग्नोसिस करने की ये क्यों हुआ,
पर यदि ये होता है तो बहुत अधिकतर ये करेक्ट नहीं हो पाता, तब हमको एक डोनेशन से IVF कराना पड़ता है। यदि AMH कम है और पीरियड भी बंद होता है तो कोशिश ये करना चाहिए कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेके पीरियड को लाते रहें, ताकि जो ईस्ट्रोजन की कमी के कारण हड्डी में जो कमजोरी होती है वो घट सके। IVF करवाने के बाद प्रेगनेंसी का तीसरा महीना चल रहा है, क्या रेलवे में यात्रा कर सकते हैं? जी, कोई ऐसा यात्रा करने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्रेगनेंसी सेफ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो IVF प्रेगनेंसी हो चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो, आपको रेलवे में जर्नी करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सहजाद अहमद जी पूछते हैं, सर फ्रीजिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रीजिंग में खर्चा ही क्यों है। आपको एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ, ये एक ग्राफिक से मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम IVF करते हैं, ओवम पिकअप किया और ICSI किया, इसमें यदि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किया या फिर यदि किया और एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बने, इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियो को या तो आप डिस्ट्रॉय कर दें, फेंक दें, या फिर इसको संरक्षित कर लें, मतलब इसको स्टोर कर लें, प्रिजर्व कर लें। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है ये लाइफ है, ये जीवित है। इस जीवन को आपको एक ऐसे तरीके से गुजारना पड़ेगा कि वो स्टैंड स्टिल में रहे, मतलब उसकी डेथ भी ना हो और वो आगे भी ना बढ़े। जब हमको ज़रूरत पड़े इस लाइफ को हम उसी अवस्था में मेंटेन करें, जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसको रीवॉर्म करें, इसको थॉइंग बोलते हैं। जो ही हम इसको रीवॉर्म करते हैं इसकी लाइफ फिर से वापस आ जाती है, और ये उसी अवस्था में रहता है जिस अवस्था में हमने इसको फ्रीज किया था। ये जो लाइफ को फ्रीज करने का जो टेक्निक है इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग का जो टेक्निक हम अपनाते हैं उसको विट्रीफिकेशन बोलते हैं। आप सोचेंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ताकि मैं उसको फ्रोजन कंडीशन में रख सकूँ, यहाँ पर जो उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है इसको बहुत चरणों से गुजारना पड़ता है। इसमें बहुत सारा केमिकल और बहुत सारा मीडिया लगता है। मीडिया का मतलब लिक्विड जैसी चीज़ें जो इससे हम उसको गुजारते हैं ताकि वो उसका लाइफ मेंटेन रह सके और उसी अवस्था में वो स्थिर हो जाए। ये जो लाइफ मेंटेन करने के लिए जो हम मीडिया और जो केमिकल और जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये कॉस्टली होती हैं। इस कॉस्ट के कारण फ्रीजिंग का एक खर्चा आता है। फिर जब हम इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए रीवॉर्म करते हैं तो उसको थॉइंग बोलते हैं। जब हम इसको फ्रोजन कंडीशन में है, ये जब हम इसे फिर से रीवॉर्म कर रहे हैं तो भी हमको इसको कई चरणों से गुजारना पड़ता है। ये जो गुजारने का जो चरण है इसमें भी बहुत सारे केमिकल लगते हैं, ये भी कॉस्टली होते हैं। इन कॉस्ट को जोड़ने के कारण ये एम्ब्रियो फ्रीजिंग महंगी पड़ती है। जब हम इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को एम्ब्रियो को थॉ करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको उस लेडी का जो पीरियड है उस पीरियड से उसकी बच्चेदानी की जो लाइनिंग है उसको बनाने के लिए एक दवाई देनी पड़ेगी, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, फिर जाके हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का भी जो खर्च है वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम स्कैन कर रहे हैं, यहाँ पर जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यूज़ कर रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को यूज़ करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका एक कॉस्ट आता है। इसलिए फ्रीजिंग और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एक खर्चा आता है और इससे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास में एम्ब्रियो फ्रीजिंग बहुत अच्छी होगी नहीं। सर एम्ब्रियो फ्रीजिंग से लेकर अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम एम्ब्रियो को कितने टाइम के लिए मैक्सिमम फ्रीज करवा सकते हैं?
देखिए, जब हमने इस एम्ब्रियो को इस लाइफ में, जो कि डे 5 ब्लास्टोसिस्ट में है, हम ब्लास्टोसिस्ट में भी कर सकते हैं, क्लीवेज स्टेज में कर सकते हैं, जिस भी स्थिति में इसको हम फ्रीज करेंगे उसी स्थिति में इस लाइफ को हम मेंटेन कर सकते हैं। अब ये जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, जब हम इसको इससे गुजार के इसकी स्थिर अवस्था में ले आए, फ्रोजन कंडीशन में, इस फ्रोजन कंडीशन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के जितना चाहें लंबा उतने दिन रख सकते हैं, जब तक हमारा लिक्विड नाइट्रोजन का मेंटेनेंस हो। ये सालों साल रह सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो कपल है वो यदि अपने एम्ब्रियो को लिक्विड नाइट्रोजन के खर्चे से रखवाना चाहता है तो डेफिनेटली हम रख सकते हैं। हम दो दो तीन तीन साल तक एम्ब्रियो रखते हैं, पेशेंट की डिलीवरी हो जाती है, दोबारा आते हैं उसी फ्रोजन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्रोजन एम्ब्रियो को हम जब तक चाहे रख सकते हैं, पर उसको रखने के लिए कपल को हर महीने एक कितना खर्चा आता है? 35,000 फॉर 2 मंथ्स एंड 45,000 फॉर 1 ईयर। 35,000 रुपये पहले 2 महीने के लिए, यदि आपने उसमें उसको इस्तेमाल नहीं किए फिर पूरे साल भर के लिए आपको 45,000 रुपये लगेंगे हर साल। विक्रम सिंह जी मुख्तसर पंजाब से, हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दुर्गा पूजा सर। मुख्तसर जी थैंक यू वेरी मच, मुझे और भी लोगों ने हैप्पी दशहरा बोला है, अब मैं सबको दशहरा और विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे IVF से ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई है और सी सेक्शन हुआ है और 25 डेज से ज़्यादा हुए हैं और अभी तक रिकवरी नहीं आ रही। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको IVF से ट्विन्स हुआ और बच्चे स्वस्थ हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है पैर में सूजन आना और ये चीज़ें, डोंट वरी टू मच, आपके जो डॉक्टर है वो आपको देखेंगे और यदि इन्वेस्टिगेशन लगेगा तो वो ज़रूर करा लीजिए। जो भी आपके डॉक्टर आपको देख रहे हैं उनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो और अच्छी हो। आशा है जितने क्वेश्चन अभी तक मैं ले पाया मैं लिया हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।